गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार के मार्गदर्शन में इस वर्ष 27 से 30 दिसंबर तक 151 कुंडीय गायत्री महायज्ञ के साथ 1993 में संपन्न हुए अश्वमेघ गायत्री महायज्ञ भिलाई का रजत जयंती समारोह मनाया जाएगा। सीनियर सेकेंडरी स्कूल मैदान सेक्टर 7 भिलाई में आयोजित होने वाले अश्वमेघ यज्ञ के रजत जयंती समारोह की तैयारियां चल रही है। तैयारियों को मूर्त रूप देने गायत्री परिवार के साधक जुटे हैं। तैयारियों की शुरुआत हवन कुंड का भूमि पूजन कर किया गया। हवन कुंड का भूमि पूजन राज्यसभा सांसद सुश्री सरोज पांडे ने किया। 151 कुंडीय यज्ञ के लिए की जा रही तैयारियों के पहले पूरे स्थल को गाय के गोबर से लीप कर शुद्ध किया गया। गायत्री महायज्ञ की जानकारी आयोजन समिति के पदाधिकारियों ने। दिनांक 27 से 30 दिसंबर 2022 तक 4 दिवसीय अश्वमेध रजत जयंती समारोह का आयोजन 51 कुंडी यज्ञ के साथ 151 कुंडी यज्ञ के साथ संपन्न होने जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हम कोई साधारण मानव नहीं है, हम सामान्य मनुष्य नहीं है, हम उस अवतारी चेतना के साथ जुड़े हैं जिनका नाम पंडित श्री राम शर्मा आचार्य माता भगवती देवी शर्मा है, जिनका मुख्य उद्देश्य मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण है। इसी कारण से उन्होंने युग निर्माण योजना बनाई। युग निर्माण योजना मतलब पूरे युग का, वो सारे विश्व की बात करते हैं, सिर्फ भारत की बात नहीं करते, पूरे विश्व के कल्याण के लिए वो काम कर रहे हैं। इसी उद्देश्य को लेकर के हम यहाँ 151 कुंड यज्ञ कर रहे हैं। यज्ञ सिर्फ हवन पूजन नहीं है या सिर्फ वातावरण शुद्ध करने के लिए नहीं है, बल्कि उससे मनुष्य की भावना, मनुष्य के विचार शुद्ध होते हैं। आज जो भी इस संसार में जो भी विकृतियां हैं उसका मुख्य कारण विचार ही है, इसलिए यज्ञ के माध्यम से हम विचार को शुद्ध करना चाहते हैं और कुबुद्धि को सबुद्धि में, सदबुद्धि में बदलने का प्रयास हमारा इस माध्यम से हो रहा है। 1993 में 1008 कुंडी अश्वमेध यज्ञ भिलाई में संपन्न हुआ था और 25 वर्ष पूर्ण होने के बाद, क्योंकि कोरोना था 3 वर्ष तक, उससे विलंब होने के कारण अब ये 2022 में 151 कुंडी गायत्री महायज्ञ इस परिसर में, इस क्षेत्र में, अपने भिलाई, दुर्ग, बालोद, बेमित्रा और पूरे एक तरह से संपूर्ण छत्तीसगढ़ को लेकर के ये आयोजन होने जा रहा है। 9 से 6 से 9 बजे प्रभात फेरी एवं दोपहर 2 से 6 बजे के बीच में जन जन तक इस गुरुदेव के विचार को पहुँचाने के लिए हम पूरे 10-15 हमारा टीम है, उसमें गुरुदेव के अखंड ज्योति मंत्र लेखन और चालीसा पंपलेट जाते हैं और इसी से जन जागरण का काम बना है, जो एक गायत्री के विशेष भूमिका अदन करेंगे। आमंत्रण दे रहे, निमंत्रित है, आप सब सादर आमंत्रित है, आप सब आइए। हमारी उस आहुति का अर्थ होता है, हम उस अर्थ को खोजते हैं, समझते हैं, महसूस करते हैं, लेकिन कई बार हम उसे शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाते। आज वो अनुभव मेरा भी है, मैं उसे महसूस कर रही हूँ और मेरे लिए ये बेहद सुखद बात है कि मेरे इस क्षेत्र में जब ये कार्यक्रम हो रहा हो, हम एक गायत्री परिवार के काम को करने के लिए जा रहे हों, तो मैं सिर्फ छोटी सी बात कह सकती हूँ कि चूँकि आपके ही परिवार की बेटी हूँ तो जो आप करेंगे मैं आपके साथ करूँगी। अभी मैं सुन रही थी बहुत सारी चीज़ें कि आप जो आप बाकी काम करते हैं वो आप करते रहे, मैं सिर्फ इतना कहती हूँ कि जहाँ कम पड़ेगा मैं वहाँ से खड़ी मिलूंगी और हम सब मिलकर हमारा ये कार्यक्रम जरूर सफल होगा, ईश्वर का आशीर्वाद है और जब माता का आशीर्वाद होगा तो कार्यक्रम सफल होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। और मैं आज बहुत लंबा आपके बीच में कुछ विषय नहीं कहना चाहती, जब हम 3 दिन का आपका कार्यक्रम है, मैं शायद उस बीच में दिल्ली प्रवास पे होंगी, लेकिन मैं पूरी कोशिश करके 1 दिन छुट्टी करके आपके बीच के कार्यक्रम में जरूर आऊंगी और आपके कार्यक्रम में शामिल, आपका नहीं, मेरे कार्यक्रम में शामिल।